श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? गुरुवार के दिन पढ़ने जा रही है नवमी की तिथि। गुरु जी द्वारा बताए गए अष्टमी और नवमी के कई उपाय हैं जो सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक है। इस नवमी तिथि के दिन आप सभी को यह उपाय करना है, धागे का। गुरु जी कहते हैं अगर यह धागे का उपाय कर लिया जाए तो वह व्यक्ति जो है कभी रोग उसे नहीं सताते और किसी प्रतियोगी परीक्षा या किसी भी चीज़ में वह कार्यरत है तो तुरंत उसे सफलता मिलते चली जाती है, कोई भी दुर्घटना इत्यादि उसे हो ही नहीं सकती। तो कैसे करना है ध्यान से सुनिए। गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है, आप सभी को जरूर से उनकी पूजा आराधना करनी है। इससे पहले मैंने आप सभी को चने की दाल और घी का एक विशेष उपाय बताया है, वह भी करके देख लीजिएगा, काफ़ी आपको उससे लाभ मिलेगा। तो यह उपाय इस तरह से है। गुरु जी कहते हैं आप सभी को पूरे दिन भर में सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को ले लेना है मौली, ठीक है, जो वस्त्र रूप में महादेव को हम समर्पित करते हैं या सभी देवी देवताओं को समर्पित करने हैं, वही मौली, लच्छा, दाणा, जो भी कह लीजिए, वह आप सभी को लेना है और उसे लेकर चले जाना है आप सभी को आंवला वृक्ष के नीचे। आंवला वृक्ष की पहले आप सभी को एक घी का दीपक लगाना है, सात परिक्रमा करनी है, उसके बाद जो है उस धागे को लेकर सात परिक्रमा करनी है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही आंवला वृक्ष में हम सभी जानते हैं श्रीहरि विष्णु का वासा माना जाता है और सभी देवी देवताओं का इसमें वासा माना जाता है। तो विधि विधान से पूजा करना है आप सभी को, एक दीप लगाना है और मौली की मदद से आप सभी को सात परिक्रमा करनी है। उसके बाद नवमी तिथि को किसी भी आंवले वृक्ष की एक डंडी में आप सभी को जितनी आपको आवश्यकता है उतनी मौली बांध कर छोड़ दीजिए, ठीक है, बांध कर छोड़ दी। दूसरे दिन दसवीं तिथि को आप सभी को जाकर उस धागे को लेकर आ जाना है अपने घर पर। अब जिसके हाथ में आप बांधना चाहते हैं, मैं हमेशा ही आप सभी को ज्योतिष दृष्टिकोण से, पूजा पाठ के दृष्टिकोण से बताती ही हूँ कि आप सभी को जो है महिला है तो उसे अपने बाएं हाथ में बांधना चाहिए, पुरुष हैं या लड़के हैं आपके बच्चे हैं तो उन्हें हमेशा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। यह जो है इस मौली को अर्थात रक्षा सूत्र को बांधने का सर्वश्रेष्ठ नियम कहा गया है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। यह छोटी छोटी बातें हैं परंतु बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप सभी को नवमी के दिन यह कार्य करना है। आप चाहें तो गुरु जी की आवाज़ में भी इस वीडियो को सुन सकते हैं, मेरे चैनल में गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी की ही वीडियो आप सभी को सुनने समझने को मिलेंगी। तो आपके मन में कोई सवाल रह गया हो, कोई बात रह गई हो, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, आपको तत्काल इसका फल प्राप्त होगा, अर्थात अर्थ मिलेगा, प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो आप सभी को यह कार्य करना है। साथ ही गुरुवार का दिन है तो जरूर से आप सभी को श्री हरि विष्णु के मंदिर में और महादेव के मंदिर के साथ साथ आप सभी को जो गुरुग्रह से संबंध रखता है केले वृक्ष, अर्थात केले वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वासा माना जाता है, गुरुवार के दिन यह पूजा करना, अर्थात गुरुवार के दिन गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप सभी को इस वृक्ष अर्थात केले वृक्ष के नीचे दीप लगाना, जल चढ़ाना, हल्दी इत्यादि से जो भी चीज़ आप समर्पित करते हैं अर्थात हल्दी समर्पित करना या गुड़, चना, केला इत्यादि समर्पित करना सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक जाना जाता है। तो आप करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। हर हर महादेव।